गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। नाउ वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश लिटरेचर लेसन 1। लेसन 1 इज ए पोएम नेमली ए ग्रीन कॉर्नफील्ड रिटन बाय क्रिस्टिना रोसेटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I try to give you the summary of this poem. Listen carefully. It's a poem about a field of corn. The narrator, a girl, walking on the road which has both sides green cornfield. She expresses her joy and happiness in that she explained the beauty of nature above blue sky and below land earth. In between hanging skylark, some birds singing song at all. So, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पोयम में एक्चुअली ये जो पोयम है एक ग्रीन कॉर्नफील्ड का मतलब होता है एक हरा भरा ज्वार बाजरे का खेत होता है। उसमें एक लड़की खड़ी है बीच में खेतों के बीच में जो रोड है और वो उस सीनरी का किस तरीके से अपने शब्दों में बयान करती है, अपनी खुशी को जाहिर करती है और वो सीन में अच्छा धूप निकला हुआ है, किस तरीके का वहाँ सीन है उसको खुशी के साथ वो बयान कर रही है। तो अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप लोगों को इसका मीनिंग समझाएंगे। द अर्थ वॉज ग्रीन द स्काई वॉज ब्लू आई सा एंड हर्ड वन सनी मॉर्न ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू ए सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न ए स्टेज बिलो इन गे एकॉर्ड। मीन्स पृथ्वी ग्रीन है, आकाश आसमानी है, ब्लू है। उस समय मैंने एक अच्छी धूप खिली हुई मॉर्निंग में सुना एक स्काई लार्क मीन्स एक वर्ड है जो कि आसमान में उड़ रही है और वो दो चीज़ों के बीच में है। वो दो चीज़ें क्या है? ए सिंगिंग स्पैक मीन्स ऑल्सो ए डॉट इन द स्काई और ए वर्ड जो कि गाना गा रही है कॉर्न के खेतों के ऊपर एंड ए स्टेज बिलो। वो स्टेज क्या है? स्टेज मीन्स आपका अर्थ पृथ्वी इन गे अकॉर्ड। गे अकॉर्ड मीन्स खुशी के क्षण, उसमें हैप्पीनेस उसका जो बहुत खुशी है उनके बीच में एक चिड़िया उड़ रही है और वो किस तरीके से अपना बयान करती है आगे सुनेंगे। वाइट बटरफ्लाईज डांस्ड ऑन द विंग एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क सोड एंड साइलेंट सैंग एंड सोड टू सिंग। व्हाट द नरेटर इज सेइंग द नरेटर क्या कहना चाहती है जो लड़की खेतों में घूम रही है वो क्या कहना चाहती है कि वाइट सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई जो है चिड़िया वो अपने पंखों के सहारे हवा में डांस कर रहे हैं और स्काई लार्क जो है जो कि बहुत ऊंचा आकाश में जो चिड़िया है वो अभी तक गाना गाते गाते ऊपर चली गई। धीरे धीरे उसका आवाज़ मंद होता चला गया जैसे उसका आवाज़ डूब गया हो और फिर वो हाई जा रही है गीत गाने के लिए। ये एक कल्पना है, नरेटर जो कहानी सुना रही है लड़की उसकी एक कल्पना है जब वो खेतों में गेहूँ बाजरा के खेतों में घूमती है तो उस समय का सीनरी क्या कहता है। स्ट्रेस्ड ए टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई बॉग आई न्यू ही हैड ए नेस्ट अनसीन समवेयर among the million stalks and as I paused to hear his song
वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लाइड परहैप्स हिज मैट सेट लिसनिंग लॉन्ग एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड. नाउ व्हाट शी वांट्स टू से, वो लड़की क्या कहना चाहती है. वो ये कहना चाह रही है कि कॉर्न फील्ड जो कि खेतों में बोया हुआ है वो अब धीरे धीरे ग्रीन होकर के बड़ा होते जा रहा है एंड मेरी वॉकिंग का जो रूट है उस रूट के दोनों तरफ लाइट और राइट और लेफ्ट में कॉर्न फील्ड बड़ा बड़ा हो गया है. मैं जानती हूँ कि इनके इसी खेतों के बीच में कहीं छुपा हुआ एक घोंसला है जो कि ऊपर उड़ रही चिड़िया का है. ये कहीं ना कहीं उन मिलियंस स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स जो बाजरे का खेत है उसमें जो बाजरे का पौधा है उसके बीच में उस चिड़िया का घोंसला है. एंड मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं रुकती हूँ उनके गाने को सुनने के लिए तो दिन तो निकलता जा रहा है, शाम होने वाली है और शायद उस चिड़िया का जो साथी है वो उसको देर से सुन रहा हो और वो सोच रहा हो कि जल्दी से जल्दी चिड़िया घर आए, मुझसे ज़्यादा उसको ज़रूरत हो चिड़िया की, इसीलिए मुझे चलना चाहिए. तो ओवरऑल इस पोयम का मतलब ये है कि हमको कभी भी किसी भी चिड़िया को या पक्षियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. वो अपने घोंसले में जा रहे हैं तो उनको जाने देना चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन साथी से मिले और खुशी से रहे. क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना. आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट. इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क. और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए.